सो गाइस कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई आज है दिवाली, तो ब्लॉग लेट दे रहे हो भाई, फिर भी एक बार आपको फिर से एक हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली का विश्वकर्मा याद है, जिसमें गाड़ियों को जो भी इंसान जो काम करता है लोहे का, जो भी काम करता है उसको वो पूजता है। तो आज दीपावली, अभी बज के दिन के 11। तो आज ब्लॉग थोड़ा लेट ही स्टार्ट हो रहे हैं। आज मैं ना जाने की साफ़ सफाई अंदर से करनी है अच्छे से ना, बाहर से तो वॉश होती है, मैं ना अंदर से जो ये है ना छत वगैरह इसको हम करते हैं साफ़, बट ना पूरा प्रॉपर साफ़ नहीं हो रहा। अब सोच रहा हूँ गर्म पानी करके निरमा डाल के इसको अच्छे से पूरा जो एक ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना ये बीच बीच से ना ये पूरा अच्छे से करेंगे वॉश, और सीट कवर वगैरह उतार दिए हैं। तब तक गाड़ी खड़ी है, ऑयल वगैरह इस पर कर लेते हैं चेक। भाई ऑयल और पानी है पूरा ये आ गया। वो इतना पानी क्यों लाया यार, थोड़ा सा चाहिए था, आधा गिलास ऊपर से पानी गर्म है। हाँ। गिराओ पानी थोड़ा इसमें से, थोड़ा पानी गिरा दो ना, फिर ये अच्छे से अंदर शो करनी है, बाकी बाहर तो इतना निरमे का फायदा नहीं है। पूरी गाड़ी कर दी मैंने अंदर से खाली, और आज ना पूरी पहले ऊपर से जितनी मैल है ना सारी मैल उतारेंगे कैबिन की, और फिर ये नीचे सब कुछ बाहर निकाल के। पर है ना इससे जल्दी साफ हो रही है गाड़ी, मतलब पूरी एकदम से हमने चमका रहे हैं। पर कहीं बोलते हैं इस पे ना सरमाइके में पानी लगना चाहिए, बस मेरा वैसे ही प्लान है उसको चेंज करने का। और ये पीछे वाली चादर जो काफ़ी ख़राब थी इसका मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया, हम घर से दूसरी चादर लगाएंगे यहाँ पे जब तक हमारा पीछे ट्राला नहीं बन जाता। बाकी देखो तो यहाँ पे पूरी गंदगी है नीचे भी ना, इसको अच्छे से पूरा पूरा वाइट कर देंगे। जब से गाड़ी लिया फर्स्ट टाइम इतनी मैं साफ़ करने वाला हूँ, और यहाँ देखो इस तरफ थोड़ा फर्क पड़ गया होगा आपको। अभी आगे देखो कितनी गंदगी है ना, सारा करते हैं। अभी ये गोल वायर ना फिर सीट कवर खोल देते हैं दोनों, और ये सीट निकालनी है पीछे वॉश ट्यूब पे, वो नहीं कर रहे। बाकी यहाँ से नीचे सारा निकाल के जैसे इसके ऊपर भी अच्छे से, बाकी जितना है ये चीज़ कर दी मैंने साफ़। ये देखो एक बार थोड़ी चमक दे रही है बाकी के मुकाबले, करते हैं यहाँ पे। अभी सीट भी काफ़ी गंदी हो रखी, बट ट्राई करते हैं सीट खोलने का, सीट खोल के बाहर निकल जाती है तो भाई आराम से सीट भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी और हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा। आधा छत मैंने कर लिया, देखो इस पर कितनी मैल लग रही है ना, और ये देखो फिर भी थोड़ा वाइट वाइट हो गया जैसा साथ का सरमाइका होता है वैसा। ये स्पीकर हो गया, बस वहाँ पे धूल है, आधी गाड़ी होगी। फिर नीचे से करेंगे अच्छे से, फिर सीट को धो देते हैं और बोनट वगैरह अच्छे से करते हैं साफ। खोलें सीट, करें एक्सपेरिमेंट आज। चलो भाई यार इस पर ना मसला है कि इस पर यह था कि यार स्टेयरिंग के बिना सीट नहीं लगी। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टेयरिंग को हम निकाल लेंगे। स्टेयरिंग निकाल लेंगे ना पूरा तो अच्छे से सीट भी निकल जाएगी, और यहाँ पे नीचे एक नेट है वहाँ से हवा आती है वो भी बंद हो जाएंगे। चलो भाई कर दे, खोल दी सीट भी, अब उठाएंगे इसको बाहर रखेंगे फिर करेंगे साफ। नेट 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 बन जाएंगे। बाय बाय बाय, इसमें बड़ा सामान है अभी यार, बेल्ट भी आएगी सी, और ये परांदा सा भी आएगा इस पे रख ले नेट, वो दो में रख दे बाहर साफ निकलेगी यहाँ से। अलग बैठे कुछ नहीं मर रहे, अलग बैठे। और ये पूरी अच्छे से साफ सफाई अंदर से, और ये गाड़ी स्टेयरिंग है ही नहीं है, इसकी सीट भी नहीं है, सीट पे अच्छे से धुल जाएगी नीचे से भी साफ हो जाएगी। और ये रहा भाई स्टेयरिंग इसका, पता ना भाई कैसी लग रही है गाड़ी। इसके लिए काफी भाई बोल रहे थे कि मैली होगी, ये गंदी लग रही है, हम इसको उतार दिया, अब इसको लगाएंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे ऐसे ही। नहीं 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 लगाएंगे, वो घर से चादर लेते हैं। नहीं यार घर से चादर लेते हैं, बड़ी अच्छी सी कोई कलर वाली वो लगा लेते हैं, काट के हैं, काट के लगानी पड़ेगी। अच्छा मैं सोचा चादर ऊपर से बांधते, जो ऊपर वाला है ना पूरा वो बोर्ड के पास से वहां से ही नीचे करते हैं चादर, क्योंकि अभी उसमें टाइम लगेगा ना नीचे वाले में लगाने में। अभी खोलें, खुलेंगे ये कहां, इसमें लाइट ही नहीं है, ये है ना तोड़ तोड़ के निकालने पड़ेंगे। हाँ जब खुलेंगे खोलते हैं इसको फिर। ओके यहाँ से ना, यहाँ से हवा आती है रात को ना, तो मैंने गोरगोल नेट उसको यहाँ पे कपड़ा डालेंगे अच्छे से, ताकि आगे कपड़ा ना बांधना पड़े फिर पूरे आगे कपड़ा में इसलिए बांधते हैं सर्दियों में, जब इधर लोकल में चलेंगे तो आप ही ठंड बचाने के लिए, नहीं तो यहाँ आ जाएगा तो सही है, फिर अंदर अगली गर्मी में खोल देंगे मतलब अंदर हवा ना आए। बाकी अंदर से ऑलमोस्ट हो गया, अब हमें धोनी है सीट, और जो हमारा जो पहले का सामान काफ़ी डिमांड थी गाड़ी सजाओ, तो इनको खोल दो ना, इसको एक एक करके अलग कर दे, बैठा रहे आराम लगा रहा है।
तो सारा सामान धो देंगे अच्छे से, बैटरी भी आ गई बाहर। एक सीट खाली करो, सीट धोनी है यार, उस ब्रश से धोनी होगी। हाँ उस ब्रश से धोनी होगी, सीट धोनी है। हो गया, ये पता नहीं कब से गंदी हुई होगी। टाकी से करो इसको साफ। बाहर पड़ गया पूरा खिलारा, और अंदर से भी मैंने पूरा नीचे से वॉश वॉश पूरा साफ कर दिया। अब बस इसमें सूखने के बाद थोड़ी सीटी लगाएंगे, थोड़ी या पूरी सीटी लगाएंगे, उसको सामान जो भी है ना वो करेंगे क्लोज। गाड़ी के में ये दो लाए थे, ये और ये, इसमें ये फूल जाएंगे पूरे, बड़ा हो जाएगा ना, फिर इसको अच्छे से रखेंगे इस पर। और बाकी भावना आपने ये डाला ही निकाली नहीं वाला धोने वाला ये कौन सा? तो बाकी अब गाड़ी सूखने का वेट कर रहे हैं, और सीट भी सूख जाएगी, और जो छोटा जो इसके कवर हैं वो तो चलो अभी टाइम लगेगा, वो ऊपर डाल दी मम्मी ने छत पे। बट मैं जो घास सूख जाए ना, तो फिर वो घास डालें, फिर धीरे धीरे सीट के कवर डालें, सीटें डालें, और मैं ये सीट फिट करें, इस पर फिट करें मैं, नट बोल्ट में टाइम लगेगा, बाकी कोई टाइम लगेगा। अभी चलते हैं दीपावली का, और इसने उसमें डाल दिया दीपावली का सामान लेने के लिए बाजार, गौरव को बोलते हैं चलते हैं, मैं गौरव और शिवा तीन बंदे गाड़ी लेके। बाकी बाहर से तो बाद में वॉश करवाएंगे, मैंने तो अंदर से गाड़ी की सफाई हो जाए अच्छे से ना। तो मतलब आज दिवाली का मतलब यही रहा हमारा कि गाड़ी की प्रॉपर सफाई होगी। भावना इतनी परेशान हो रही है यार, इतना आपने गंद डाली, मैं बोला इतने दिनों के बाद गाड़ी की सफाई हो रही है, और वो इन्हें मत डालना, मत दो इसको अब, ये पाँव के नीचे मार रख चल। तो भाई नहा दो के हम हो गए रेडी दिवाली के लिए, अभी हम निकलेंगे घर से कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, पहले खाना खाएंगे। गाड़ी में हमने सारा सामान रख दिया वापस से, सिर्फ सीटें रहती हैं क्योंकि इस पर हम सीट कवर डालेंगे, और ये सीट अभी शायद से गीली ही है। हाँ ये शाम तक सूख जाएगी, इसको यहीं रहने देते हैं। सीट स्टेयरिंग और जो बाकी सीटें हैं वो डालनी है, बाकी थोड़े झालर झूलर हो जाए सजाने वाला सामान हमने फिर से सुखाने के लिए डाल दिया, छोटा मोटा सामान वापस सारा एडजस्ट कर लिया जो बॉक्स में था, वहाँ बैकग्राउंड में भी चादर एडजस्ट करेंगे अभी आराम से। आधा काम अब कल भी कर सकते हैं क्योंकि हमें कल निकलना है यहाँ से, दिन को ग्रीस भी करवानी है, वो चादर सोचा मैं लगा ही देता स्क्रू लेके ना, वो सही दिखती है। वो ले आओ शिवा यार, शिवा भैया वो बाइक पे चादर पड़ी है। काफ़ी इंतज़ार के बाद भाई हमारे जो सीट कवर हैं वो सूख गए, पर मैं एक अभी ये सीट चेक कर रहे हैं अभी ना, हमने ये सूख उस पर टॉवल किसने डाल दिया था, इसको मैं पहले एक बार सेट करके रख लूँ ना, इसके पीछे कुछ रख लेते हैं, इसको डाल दिया मैंने सेट कर, बट इसमें भी पानी है यार ये नीचे वाली साइड में, इसको भी शाम को फिट सुबह फिट करेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सीटें कल फिट करें, फिर अगर इसको कल फिट करेंगे फिर सीटें भी कल ही फिट करनी पड़ेंगी, बस सामान रखना पड़ेगा ये वाला और ये नट बोल्ट, सीट कल फिट कर लेंगे सुबह, स्टेयरिंग कल ये भी सूख गए, चलो चलते हैं छोड़ यार, इसको कल फिट करेंगे क्योंकि ना मेरे को लगा है सामान काफ़ी है यार, बिखरा पड़ा है ना, समझो इनको कवर उठा के अंदर रख लेंगे या कहीं यहाँ बेड पर रख देंगे, फिर कल फिट करते हैं ना, क्योंकि अभी वो सीट गीली है, वो सबसे मुश्किल वही अंदर, उसको अंदर करने के लिए पूरी जगह खाली जाएगी, वो बड़ी है वो पूरी बैंड होकर आराम से अंदर जाती है। तो अभी हम चलते हैं दीपावली का सामान लेने के लिए, वो टाकी उसी गाड़ी की है, सीट बेल्ट मैंने खोल के रखी है ये पड़ी है, इसको भी फिट कर देंगे। और मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर ना ब्लैक पैंट रहती है और अंदर भी उसको पैंट करते यार, सोचा ही था, पर अब चल के ना देखते हैं अगर यहाँ से मिल पाएगा तो हम ले आएंगे पैंट। अरे गौरव से पूछते हैं, पर्स भी आ गया क्योंकि अभी मैंने खुद से ही हार बनाया सिंपल सा दिवाली में गाड़ी के लिए, इसको यहाँ से बांधना पड़ेगा, यहाँ से जाते हुए ना खाना करना बस। हाँ ऐसे ठीक है यहाँ पे, हाँ ऐसे बंद हो, ये इसमें काम है ना, तो फिर भी नहीं गिरेगा, ठीक है ऐसे ना, ठीक है एकदम सही लग रहा है। अब एक बांधेंगे डोर में, और मम्मी और बांधेंगे। दिवाली का सामान ले लिया भाई, पहले ना स्टार्टिंग पे हमें भी होता था मन की जैसे हम भी बम पटाखे चलाएं, तो अब मतलब इतना नहीं है, बस शिवा के लिए लिया, फिर खाने पीने के लिए, अभी लविश का बर्थडे है तो वापस आके उसको बर्थडे भी केक मंगवा लिया, रजेश ही वापस आ रहा है, वो जम्मू गया था, मैंने उसको बोला मत जा खज्जल होगा, वही बात हुई वो वापस आ रहा है, तो फिर सब मिलके उसका बर्थडे बनाएंगे। तो भाई लग रही है जाने पे, तो बताना एकदम से ना जाने की लुक कैसी लग रही है आगे से, अभी गौरव भी नहीं आया, ये देखो अभी लाइटें हमने ऑन कर दी, पार्किंग भी
तो इस तरफ मैंने अभी कम लगाई थी मोमबत्तियाँ, उस तरफ उन्होंने काफ़ी लगा दी हैं। कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी भाई, जरूर कमेंट करके बताना। और सभी को भाई एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, अभी दिवाली भी सेलिब्रेट करें। अभी पीछे अभी पहुँचे नहीं है, इस तरफ में भाई तो कमाल ही कर दिया ना, मतलब कितनी लगाई है देखो यार पूरे एंगल पे, कितनी सही लग रही है गाड़ी भी यहाँ से ना है। सो गाइस यही रहा कुछ अपना दिवाली घर पे, तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर। कल क्या रहेगा, कल जैसे वो सीटें वगैरह सब बाहर निकाल के रखी हैं उसी को अंदर डालना पड़ेगा, और जो वो स्टेयरिंग भी खोल के रखा है अभी आपको खत्म, स्टेयरिंग कहाँ पड़ा है अभी भी यहीं पड़ा है। अभी गौरव भाई ने भी सामान सारा संभाल के रखना है, गाड़ी में अंदर रख देंगे वापस लॉक कर देंगे। देखो स्टेयरिंग ये पड़ा है अभी ना, स्टेयरिंग इधर है भाई, सामान सारा सेट करना और सीट वहाँ पे है, और यहाँ पे सारी मोमबत्तियाँ लगा रहे हैं अभी। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर। सो अभी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद लविश का बर्थडे भी है तो वो आपको मिलेगा हमारे घर वाले ब्लॉग पर। जिन भाइयों ने नहीं देखा हम इंस्टाग्राम पे उसको भी भाई पोस्ट करते हैं, जिन भाइयों ने इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किया भाई वहाँ पे फॉलो करें अनुज ब्लॉग्स करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का हम डाल देंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसपे हम घर पे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे बॉय, पुल पूरा ना हिल रहा है।